सिवान शहर के पटवा टोली में राम भक्त स्वर्गीय वाल्मीकि प्रसाद गुप्ता की याद में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें समाज के कई प्रबुद्ध लोगों ने हिस्सा लिया और स्वर्गीय वाल्मीकि प्रसाद गुप्ता के तैलचित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया। आपको बताते चले कि वाल्मीकि प्रसाद गुप्ता कुछ दिनों पहले उनकी तबीयत खराब चल रही थी, जिसको लेकर के उनका निधन हो गया और ये पूर्व वार्ड पार्षद भाजपा नेता देवेंद्र गुप्ता के चाचा थे और इन्हीं की याद में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें समाजसेवी किशोरीलाल गुप्ता, डॉक्टर राजा प्रसाद और आरएसएस सहित तमाम कई शहर के बुद्धिजीवी लोग वहां पर पहुंचकर, जो कि देवेंद्र गुप्ता के आवास के आगे एक श्रद्धांजलि सभा रखी गई थी, वहां पर तमाम लोगों ने उनके तैलचित्र के आगे पुष्प अर्पित किया और उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया। आपको बताते चले कि कुछ वर्ष पहले, यानी कि तकरीबन 10 से 15 वर्ष पहले, वाल्मीकि प्रसाद गुप्ता एक टीम बना करके सुबह में प्रभात फेरी निकालते थे भजन कीर्तन के साथ, और उस समय कई शहर के प्रबुद्ध लोगों की, वरिष्ठ लोगों की एक टीम थी, जिसमें वाल्मीकि प्रसाद गुप्ता की अगुवाई में ही प्रभात फेरी निकलती थी और लोगों को जगाने का काम किया जा रहा था, यानी कि जागरण के माध्यम से सुबह सुबह प्रभात फेरी होती थी और उस प्रभात फेरी जो भजन कीर्तन के साथ जो गली मोहल्ले में घुमा करते थे तो लोग जो सोया करते थे वो जग जाते थे। और उस समय यह याद ताज़ा हो जाती थी कि वाल्मीकि प्रसाद गुप्ता की जो मंडली है वो हमारे मोहल्ले में प्रवेश कर गई है। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि वाल्मीकि प्रसाद गुप्ता के निधन के बाद से उस जो जागरण की जो टीम थी, प्रभात फेरी की टीम थी, उस टीम में भी शोक की लहर है और उसके बाद तमाम लोग उनके आवास के आगे पहुंच करके और उनके तैलचित्र पर पुष्प अर्पित कर रहे हैं और श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। उसके बाद से लोगों ने क्या कुछ कहा, आइए दिखाते हैं। वाले व्यक्ति भी नहीं हूँ, अनुभव की बात बताऊंगा कि हम लोगों ने इस कार्यक्रम को, उसकी चूँकि हम अध्यक्ष भी थे उस समय समिति का, भजन तो हम नहीं गा पाते थे लेकिन इन लोगों के साथ रह करके प्रभात फेरी में आगे आगे मातृ भूमि का जो झंडा होता है उसको लेकर हम चलते थे और बाकी हमारे समाज के लोग जो है, जो गायक थे, ढोलक ढाल जो भी व्यवस्था लेकर चलते थे हम लोग। हम लोगों का रूटीन था 7 दिन का, प्रत्येक दिन किसी अलग अलग रूट में हम लोग जाते थे। मुझे बहुत खुशी होती थी कि जब हम लोग 10-15 की संख्या में निकलते थे यहाँ से और जिस गली में, जिस रोड से हम लोग गुजरते थे तो 10-20 आदमी और उसमें जुड़ जाते थे और उस भजन से लाभ उठाते हुए कुछ दूर तक अपने
साथ को हम लोग वो लोग देते थे। मैं इतना कहूँगा कि इनका वास्तविक जीवन बहुत अनुकरणीय रहा है। इनके जीवन में हमने जो अनुभव किया है साथ में रह करके, कुछ जो भजन गाते थे, भजन के साथ साथ कुछ और चीज़ भी हम लोग के गाने का कार्यक्रम होता था, उसको भी हम दो लाइन में बता देंगे आपको। लेकिन इनका स्वभाव, इनका व्यवहार वास्तव में अनुकरणीय है और हम लोग को बहुत ही श्रद्धा और इनके विचारों को मानते हुए, उनके विचारों के ऊपर अपना अनुकरण करते हुए इनको हम सहृदय से श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इनका हम लोग दो ठो भजन जरूर गाते थे, इनका बहुत, हम दोनों आदमी का ये बहुत ये इच्छा था कि ये भावना हम लोग हर समाज में, हर जगह, हर गली में दें। पहला है, का होई राई राई पाई जोड़ के एक का होई राई राई पाई पाई जोड़ के होइए सुगनवा एक दिन ये पिंजड़वा छोड़ के। ये मैंने एक भजन से हट करके एक सामाजिकता में कुछ बदलाव आवे, वैराग्य भजन। हम लोग एक भावना प्रकट करते थे कि इस तरह का भी सोच आदमी के अंदर बने। भजन गाने से ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन भजन गाते हैं और कुछ अपना विचार उस तरह का नहीं रखते हैं, ये भी हम लोग के अनुकूल नहीं था। हम लोग सोचते थे कि विचार भी बदलाव आए। एक और है, काहे लोगोआ का, काहे लोगोआ डाकू और बेईमान बनल बा, काहे लोगोआ डाकू और बेईमान बनल बा जब ये दहिया चार दिन के मेहमान बनल बा। ये सब मैंने, हम ये कहना चाहते हैं कि हम भजन जरूर गाएं, हम उस तरह का सोच रखें। ये हमारा जो श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है उसके विषय में क्या कुछ कहना चाहेंगे? स्वर्गीय वाल्मीकि प्रसाद जी शहर के जाने माने भक्ति भाव करने वाले लोग थे, भजन करने वाले लोग थे, मेरे बड़े पिताजी थे, और शहर के सभी गलियों में भजन कीर्तन के माध्यम से प्रतिदिन प्रभात फेरी निकाला करते थे अपने समिति के सभी सदस्यों के साथ। ये वाक्य 1987-88 के बीच से शुरू हुआ, जो चल के 2000 तक आसपास वो चला, और वो प्रतिदिन शहर के अलग अलग गलियों में उसका रूट तय था। जो सोमवार को महादेवा हम लोग जाते थे शिव मंदिर के पास, वैसे हर दिन का एक रूट तय था, और हर गली में जाके हम लोग भक्ति भाव के माध्यम से लोगों को स्वस्थ रहने की प्रेरणा देते थे कि आप सुबह उठिए, ब्रह्म बेला में उठिए, आप अपने इष्ट को याद करिए, भगवान का प्रार्थना करिए, जिस भी पंथ को मानते उस पंथ को प्रार्थना करें। और सुबह उठने का कारण, मतलब मूल विषय था कि आदमी को स्वस्थ रहने के लिए जागरण करना। श्री राम सेवा समिति, जागरण समिति का मूल ध्येय था कि मनुष्य में जागरण करना, कि आप अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो, अपने पंथ संप्रदाय धर्म के प्रति जागरूक रहें, समाज के प्रति जागरूक रहें। इसलिए आज उसके संस्थापक मेरे बड़े पिताजी स्वर्गीय वाल्मीकि प्रसाद जी के पुण्यतिथि पर, उनके देहावसान के बाद उस समिति के सदस्यों द्वारा और समाज के बुद्धिजीवी गण के लोगों के बीच में आज श्रद्धांजलि सभा की आयोजन की गई थी। अपना नाम बता दीजिए। देवेंद्र गुप्ता समाज सेवी हैं, हम उनके भतीजा हुए स्वर्गीय वाल्मीकि प्रसाद। प्रेमी सज्जनों, अभी हम सभी स्वर्गीय श्री वाल्मीकि जी के जीवन चरित्रों का, ईश्वर के प्रति वो सच्चा समर्पण, जो एक अभावग्रस्त व्यक्ति का परिवार
जिसके जीवन न वो करोड़पति है न अरबपति है, नहीं बहुत बड़ी व्यवस्था है उसकी, उस व्यवस्था के तहत अपने परिवार को चलाना और समाज में प्रभु नाम के नाम का जागरण करना। मैं समझता हूं कि एक सामान्य मानव के लिए ये बहुत बड़ा कार्य है। अभी हमारे बीच बहुत से श्रद्धा सुमन अर्पण करने वाले व्यक्ति उपस्थित है। बंधुओं, जीवन की दो सच्चाई है, जीवन और मृत्यु। व्यक्ति आता है, नहीं रहेगा, चला जाएगा, लेकिन उसकी कृति अमर रहेगी। गोस्वामी जी ने कहा कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हर ईश्वर का अंश हमारे आपके सबके बीच 84 लाख योनियों के बीच स्थित है, लेकिन प्रभु की महती कृपा से ये मानव शरीर प्राप्त हुआ है। मानव शरीर के संदर्भ में हमारे गोस्वामी जी ने कहा कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा ये दूर है उस सॉल्वन का, इस शरीर से आप ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। और रही बात राम नाम की और भजन की, मां उमा से भगवान शिव ने कहा इस पूरे त्रिलोक के ब्रह्मांड की व्याख्या करते हुए सत्य की चर्चा की हमारे प्रभु भगवान शिव ने कहा कि सुनो उमा कहो अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। ये ड्रीम है दोस्तों, ये संसार एक स्वप्नवत है, सत्य ईश्वर है और ईश्वर ही सत्य है। कैसे है सत्य इसको समझा जाए, मरने के बाद और जिंदगी का प्रादुर्भाव कैसे होता है इसको समझिए। बंधुओं, प्रभु राम के जीवन का अनुकरण, प्रातः उठ श्री रघुनाथ मात पिता गुरु नाम ही माता, प्रातः स्मरामी। वाल्मीकि जी बहुत पहले ये राम जागरण सेवा समिति बनाए थे और सवेरे प्रभात फेरी करते थे, भजन उजन लोग गाते थे और राम जी का नारा भी लगाते थे, जय श्री राम जी वगैरह कहते थे। लोग ठीक ही बता रहे हैं कि उस जमाने में ये सब कहना बहुत मुश्किल था, फिर भी बड़े हिम्मत से कुछ लोगों को लेकर के, मोहल्ले के लोगों को लेकर के हर जगह और दूर दूर तक जाते थे, शास्त्री नगर भी जाते थे, मैडन स्कूल महादेवा में भी गए थे, बाद में उसमें अजय चटर्जी भी जुटे थे। और इसके बाद से जब बहुत ये हो गया तो जगह जगह अखंड कीर्तन का आयोजन करते थे, अखंड कीर्तन में पूरा अपना सामान रखते थे, सब मूर्ति तरह तरह का बड़ा छोटा सजा करके रख करके और अखंड कीर्तन करवाते थे। कहने का तात्पर्य यह है कि वाल्मीकि जी का भगवान के प्रति बहुत एक श्रद्धा मन में हो गया था। और राम भक्त जो आप कह रहे हैं ठीक कहे हैं, वे बेचारे राम भक्त थे और बड़े संतोषी जीव थे, अपना जो भी जैसा था उतने में संतोष करते थे, बहुत हाई हाई और भाग दौड़ में नहीं होते थे। अंत में इधर हाल के दिनों में उन्होंने ये संतोषी माता के पास कुछ मिष्ठान प्रसाद के रूप में बेच करके अपने जीवन लीला को उन्होंने शांतिपूर्ण समाप्त किया। ऐसे भगवत भक्त के प्रति मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। बस विशेष क्या कहा, धन्यवाद। करल राम के भजनवा रे सुगना, करल राम के भजनवा रे सुगना, करल राम के रटनवा रे सुगना। अरे भाई ये बंधु सब कुल परिवारवा रे सुगना, भाई ये बंधु सब कुल परिवारवा रे सुगना। इबा माया के बजरवा रे सुगना, इबा माया के बजरवा रे सुगना, करल राम के भजनवा रे सुगना। वाल्मीकि गुप्ता जी, देवेंद्र जी जो हमने के पूर्व पार्षद बानी रहनी,
अभी फिलहाल वहाँ के वाइफ बानी। तो अब राम भक्त वाल्मीकि जी तो वो समाज सेवी शुरू से रहनी, अपन जीवन जनवा राम भक्त में ही लगैनी। राम भक्त के हर जगह एक ड्रेस पहन करके पीला और 10-15 ठो मंडली जे जन तैयार हो गई, उ मंडली से चारों तरफ शहर के अपना भ्रमण करत रहनी। सब लोग जय श्री राम के नारा लगाते हुए, थोड़ा परिस्थिति जरूर गड़बड़ रहे के लेकिन वो परिस्थिति में ये सब रातों दिनों काम में लागर रहला के बाद से ये होत रहे। कुछ जकरा जौन समझ में आए वो कुछ देवे करे, जैसे हम चोंगा देले रहनी तो अब चोंगा हम एक ठो देले रहनी लेकिन चोंगा चार ठो लागल रहे। और सवेरे से सब लोग के कान में सवेरे उठला से वो अमृत के समान हो जीवन, तो वो हर तरीका के वहाँ के जागरण में वहाँ के रहनी। आज हम के बीच नहीं थी, वहाँ के भगवान के आत्मा के शांति देवे एक खातिर एगो श्रद्धा श्रद्धांजलि सभा आयोजित भइल बा। एमे सब लोग सम्मानित जे समाज सेवी बा वो लोग आइल बा, हमने के याद करे खातिर एगो मौका मिलल बा। बीच में तो भले छूट गई लेकिन जब तक यहाँ अपने के जीवन रहनी, संतोषी माता के लगे जरूर पेड़ा बेची, चाहे आज तक ईमानदारी से रहल बनी। आजकल ईमानदारी से रहल इस जीवन में बड़ी मुश्किल बा, लेकिन अब तक यहाँ के ईमानदारी निभा देनी और भगवान के स्वर्ग लोग सुधार गनी, एक बहुत बहुत श्रद्धांजलि बा। यहाँ के सत सत नमन बा, बस ये कहा। ले आइए सिवान शहर स्थित डीएवी कॉलेज मोड़ के निकट महाकाल कंप्यूटर्स में, नामांकन प्रक्रिया जारी है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7-00-49-75-883 पर। मैं नहीं मेरा काम बोलता है, कॉमर्स बाय विशाल सर। 12th का न्यू बैच स्टार्ट एंड बीकॉम का न्यू बैच स्टार्ट। जो स्टूडेंट 11th नहीं पढ़े हैं या कमजोर है तो उन्हें कॉमर्स के बेसिक पढ़ाकर 12th का सिलेबस स्टार्ट किया जाएगा। यहाँ पर अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, ईपीएस चारों विषय की समय से सिलेबस पूरी कराई जाएगी। सिवान की एकमात्र ऐसी संस्था जहाँ लिसन बाय लिसन ऑब्जेक्टिव नोट्स दिया जाएगा, वीकली टेस्ट की है व्यवस्था, एक लेसन के पूरा होने पर टेस्ट की है व्यवस्था, संडे को एक्स्ट्रा क्लासेज, कमजोर स्टूडेंट के लिए स्पेशल क्लासेज की व्यवस्था। पता राम राज्य मोड़, हनुमान चाय दुकान के पास सिवान। मोबाइल नंबर 9708941038। आभूषण की दुनिया में एक विश्वसनीय नाम, न्यू भारतीय अलंकार ज्वेलर्स, हॉलमार्क जेवर के विक्रेता, सुनार टोली चौक, शांति वट वृक्ष के ठीक सामने सिवान। हमारे यहाँ आकर्षक एवं शुद्ध हॉलमार्क जेवरों की उचित मूल्य पर खरीदारी करें। व्यवहार व विश्वास हमारी पहचान। न्यू भारतीय अलंकार ज्वेलर्स, सुनार टोली चौक, शांति वट वृक्ष के सामने सिवान। मोबाइल नंबर 9631402553। जी हाँ, अगर आप भी शुभकामनाएं पोस्ट या बिजनेस से संबंधित कोई पोस्ट बनवाना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। मात्र 13 रुपये में इस ऑफर का आनंद उठाएं, बड़ा धमाका। अब पेट्रोल डालने का टेंशन खत्म, क्योंकि अब आपके शहर सिवान में नेशनल मोटर लेकर आ गया है एमओ कंपनी का इलेक्ट्रिक स्कूटी, जो एक बार चार्जिंग के बाद 100 किलोमीटर तक का कराएगा सफर, आसान किस्तों पर भी उपलब्ध। एमओ लेकर आया है जॉन्टी इंस्पायरल, फेस्टी और स्पाइन, चार अलग अलग मॉडलों में, नई तकनीक और काफी मजबूती के साथ बैटरी से चलने वाली स्कूटी। प्रखंड स्तर पर सभी डीलरशिप के लिए संपर्क करें। नो रजिस्ट्रेशन, नो लाइसेंस, तो इस महंगाई के दौर में एमओ की स्कूटी आज ही खरीदे। नेशनल मोटर बचपन प्ले स्कूल के सामने, सिसवन ढाला सिवान। संपर्क करें 7058005050 8778306942। लाइटिंग की दुनिया में धमाल मचाने आ गया है अब तक का सबसे सुपर एक्सक्लूसिव शोरूम इंडियन लाइट हाउस, स्टेशन मोड़ सिवान, जहां आपको मिलेंगे गैनेट कंपनी सोलर स्ट्रीट लाइट, सरफेस लाइट, ट्रैक लाइट, लाइनर लाइट, पैनल लाइट, कॉब लाइट, फ्लड लाइट, प्रोफाइल लाइट। सोलर स्ट्रीट लाइट बिल्कुल
उचित मूल्य पर मिलता है, मकान हो या दुकान। अगर खूबसूरत लाइटों से सजाना है तो आज ही चले इंडियन लाइट हाउस, स्टेशन मोड, सिवान, प्रोप्राइटर फिरोज खान। कॉन्टेक्ट नंबर 7256963795। संगमित्रा पब्लिक स्कूल एफिलिएटेड टू सीबीएसई अप टू 12th, कनिष्क बिहार, मैरवा रोड, सिवान। नए सत्र 2021-22 में नर्सरी से 9th एंड 11th के लिए नामांकन प्रारंभ। विद्यालय कैंपस में ही छात्रावास की सुविधा, साथ ही हॉस्टल में निशुल्क कोचिंग क्लास। एकमात्र ऐसा विद्यालय जहां बच्चों के लिए स्विमिंग पूल की सुविधा। आप अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य बनाना चाहते हैं तो आज ही नामांकन कराएं संगमित्रा पब्लिक स्कूल, कनिष्क बिहार, मैरवा रोड, सिवान। प्राचार्य नवोदिता घोष, चेयरमैन मनीष प्रसाद सिंह। हेल्पलाइन नंबर 9899701920, 9939422718, 8002500381।